हेलो एवरीवन। सो चलो आज हम लोग अपने डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम रीड कोड के दूसरे सवाल पे मूव करते हैं, परम्यूटेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली गिवन टू स्ट्रिंग S1 एंड S2, रिटर्न ट्रू इफ S2 कंटेन अ परम्यूटेशन ऑफ S1 और फॉल्स अदरवाइज। फाइन, एक बुलियन फंक्शन बनाना है बेसिकली। इन अदर वर्ड, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द S1 परम्यूटेशन इज इन दिस सब स्ट्रिंग ऑफ S2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि ना हमें दो स्ट्रिंग देंगे, जैसे मैं दे दूँ शिवम दे दूँ, ठीक है, और S2 मैं दे दूँ, जैसे मैं दे दूँ HEF, फिर डाल दूँ मैं MAVIHS। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि शिवम का जो परम्यूटेशन है, शिवम का देखिए, ये देखो ये जो स्ट्रिंग है इसके बहुत सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं। फाइन, एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि इसकी जो सबस्ट्रिंग है, S2 की जो सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग समझते हो ना, कि जैसे अगर मैं बोलूँ ये कितने 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग कौन सी होगी, इधर से लेके कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग्स, तो ये हमारी 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग हो गई, फिर ये हमारी 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग हो गई, फिर ये हमारी 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग हो गई। बेसिकली समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि शिवम वर्ड की परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी सबस्ट्रिंग इधर है या नहीं है। तो देखो, शिवम का एक परम्यूटेशन बन सकता है MAVIHS, उसको उल्टा कर दिया तो ये देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न ट्रू करो, एल्स फॉल्स करो। बड़ा सिंपल सा ये सवाल पूछा था, क्वेश्चन था। तो दिखाता हूँ, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा 10^4। मुझे लगा कि एक ही लूप लगाना है, दो लूप लगाना रिस्की हो सकता है। ठीक है, कुछ मीन्स 10^8 तक जाएगा पर रिस्की हो सकता है, क्योंकि 10^7 तक सही रहता है। ठीक है, तो ON लगाना है मुझे, इतना मुझे क्लियर हुआ। और फिर मुझे पता लगा कि अगर मुझे सारे परम्यूटेशन अगर पता चल गए, कोई भी मेरे पास लेटर है, मान लो ABC है, उसके अगर मुझे सारे परम्यूटेशन क्या कैसे होते हैं परम्यूटेशन, जैसे इसके हो गए ACA, सॉरी ACB, फिर इसका हो गया तुम्हारा BAC, फिर मतलब ऐसे ऐसे तुम्हारे बहुत सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं ABC के। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करते, इसके परम्यूटेशन एग्जिस्ट करते हैं नहीं इस सबस्ट्रिंग में। ठीक है, तो ऐसे अगर जनरल में बताऊं तो अगर हम फाइंड आउट कर ले किसी भी स्ट्रिंग के सारे सबस्ट्रिंग सारे परम्यूटेशन, और उसके बाद क्या एक एक को चेक करें, कैसे चेक करेंगे, मतलब हम ना स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करेंगे। स्लाइडिंग विंडो भाई टेक्निक समझते हो ना क्या होता है। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक मतलब अगर तुम्हें पता है कि जैसे यही था HEF MAVIHS, अगर तुम्हें पता ही है कि लेंथ इसकी 3 हो सकती है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इसकी ही लेंथ होने वाली है ना इधर, क्योंकि वो इसके अंदर डायरेक्टली मीन्स कंटिन्यूस होने वाला है। तो स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है, पहले तुम इनको चेक करो ये एक्सिस्ट करता है नहीं, फिर तुम इसको चेक करो, फिर धीरे धीरे आगे जाओ। देख रहे हो तुम, विंडो खसकाते जाओ, ये हमारा जो विंडो है अब खसक गया, ऐसा हो गया विंडो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। समझ रहे हो ना, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। स्लाइडिंग विंडो नहीं आता तो सर्च मार लेना, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, बड़ा आसान है, ON में हो जाता है। तो इससे क्या हमें पता चल जाएगा कि ये परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, पर सारे एक कोई भी स्ट्रिंग का परम्यूटेशन निकालना सारे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। वो पता है कितना करेगा, ON(n)n टाइम ले लेगा, जो कि काफी बड़ा होता है, क्योंकि अपने 10^4 है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली सारे परम्यूटेशन निकालना। तो मैंने क्या इधर एक स्मार्ट गेम खेला। स्मार्ट गेम क्या खेला कि देखो हमें पता नहीं वो परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, परम्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, पर फ्रीक्वेंसी, उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में सेम ही होने वाली है। जैसे मैं दे दूं तुम्हें ACB दे दूं, और अगर तुम्हें दे दूं ACBAAB, ये S1 हो गई हमारी और S2 हमारी हो गई मान लो AAA, और AAB उसके बाद CABA ACBA मान लो यही दे दी। तो देखो इधर तुम्हारे कैरेक्टर ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 2, सी की कितनी है 1। तो अपन बिल्कुल सिंपल गेम खेलेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है 6 है, तो अपन क्या 6-6 में जाएंगे, हम 6-6 में जाएंगे और हम चेक करेंगे कि इतनी जो स्ट्रिंग है उसमें ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इधर हमें पता चला ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है। तो इससे क्या पता चला, जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ अगर मैच कर गई, मतलब ऐसी स्लाइडिंग विंडो में हम सब सारे सबस्ट्रिंग चेक करेंगे, और अगर कोई मैच कर गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स अपना रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था,
क्योंकि इसमें हमें कोई परमिटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो परमिटेशन तो कितने भी बन सकते हैं ना, पर फ्रीक्वेंसी कैसे भी परमिटेशन बना लो, पर फ्रीक्वेंसी ए बी सी की तो चेंज होने नहीं वाली, क्योंकि देखो इसका यही परमिटेशन होगा ही, ये भी तो इसका एक परमिटेशन ही है, ए बी ए सी बी, ये भी तो इसी का परमिटेशन है। तो बेसिक फंडा यही लगाया कि फ्रीक्वेंसी जो है कैरेक्टर्स की परमिटेशन में चेंज नहीं होती है, और स्लाइडिंग विंडो लगा के सारे शिफ्टिंग चेक कर ली, इसे मैच कर लिया। तो यही बेसिक चीज था। अब ये मैंने लॉजिक बता दिया, अब इंप्लीमेंटेशन तो खुद कर ही सकते हो, पर मैं बता देता हूँ अपना इंप्लीमेंटेशन मैंने कैसे किया। मेरा इंप्लीमेंटेशन भी काफ़ी ईजी है, ठीक है, बड़ा सिंपल काम किया। तो ये देखो क्या किया है, तो बेसिकली इधर मैंने मैप ले लिया एक, ठीक है, मैप ले लिया, और उसके बाद क्या किया मैंने, वही एस वन और एस टू स्ट्रिंग के लेंथ रख लिए, और लाइक बेसिक एक वो एक बेस कंडीशन रख लिया कि अगर स्ट्रिंग वन की लेंथ अगर स्ट्रिंग टू से बड़ी हो गई तो वो अंदर कैसे ही घुसेगा, तो उस केस में तो फॉल्स ही रहेगा, बेस कंडीशन हो गई। और बाकी सारी कंडीशन क्या कह रहा है कि मैंने क्या कर लिया कि फ्रीक्वेंसी सारी पूरी पूरे जो है ना, ये मेरे एस वन की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, बेसिकली एस वन की जितने भी कैरेक्टर्स है सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली मैंने मैप में, ठीक है। मैप अगर नहीं आता तो देख लिया ना, मेरे एक वीडियो हो गई, नहीं तो किसी का भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने स्टोर कर ली, ठीक है, मैप में बड़ी आसानी से। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मैं ना स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, एन तक जाएगा, मतलब इधर से लेके, मतलब क्या कर रहा हूँ, इधर से लेके इधर तक मैं जाऊँगा, पहली बार आइट्रेट करूँगा, ठीक है, पहली बार आइट्रेट करूँगा। और मैंने एक और, रुको एक मिनट, हाँ मैंने एक और मैप ले लिया है एम के नाम का, उसमें मैं स्टोर कर दूंगा पहले बार, और उसके बाद क्या एक फ्लैग वन रखूंगा। और जहां तक बात है कि मुझे अगर चेक करना है कि कितने कैरेक्टर्स है, उसके लिए मुझे लूप चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 26 ही कैरेक्टर्स होता है, तो सब मैं चेक कर लूंगा कि अगर मतलब लाइक अगर कहीं भी इक्वल हो गया, मतलब नहीं इक्वल हुए, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं हुई, मान लो एक ही फ्रीक्वेंसी हमारी आनी चाहिए स्ट्रिंग वन में थ्री और आ गई इसमें, इस सब स्ट्रिंग में आ गई टू, तब अपन फ्लैग इक्वल टू जीरो करके ब्रेक कर देंगे, और अगर सारी इक्वल आई तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। और 26 ही तो ऑपरेशन है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। और सिमिलरली हमने पहला सबस्ट्रिंग का अगर ऐसे ही निकाला तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो घसकाएंगे, आई इक्वल टू जीरो रखेंगे, जे इक्वल टू एन रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम एक एक कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहे हैं तो दूसरे को निकाल रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो बेसिक। और उसके बाद वापस यही ऑपरेशन रिपीट कर देंगे कि चेक करते रहेंगे कि मीन्स वो सबस्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, और है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स फॉल्स, और अपना स्लाइड होता रहेगा विंडो ऐसे, देख रहे हो ना, और एल्स रिटर्न फॉल्स। तो बेसिकली काफ़ी सिंपल सा कोड था, और स्लाइडिंग विंडो जिसको आता है वो तो तुरंत ही कर लेगा, ठीक है, नहीं आता तभी आपने देख लिया, ठीक है, ऐसे ही करते स्लाइडिंग विंडो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू। और नहीं, पहले दिखा देता हूँ, थैंक यू से पहले ये एक्सेप्टेड है वो दिखा देता हूँ। तो ये रहा एक्सेप्टेड है, और रन टाइम एरर इसलिए आया था कि कंडीशन में भूल गया था, बेस कंडीशन एन हमारा बड़ा होना चाहिए। तो चलो फिर आज के लिए थैंक यू।